हमारे हमारी जो सांसें हैं वो भी ईश्वर हैं, जो हमारा एक एक क्षण इस पृथ्वी पर भूलोक पर हमें दिया गया है वो ईश्वरीय आशीर्वाद ही है। एक्चुअली जब भी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी तो फील होती ही है। पर मैंने बहुत सारे आपके पॉडकास्ट देखे, आपके वीडियो देखे, लेकिन आप पर्सनली जब साथ बैठे हो ना तो एक अलग एनर्जी, एक अलग ऑरा फील होता है। वो शायद कैमरा में देखने वालों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपका एक पर्सनली जब मिलते हो तो एक वाइब है, बहुत पॉजिटिव है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज पहला वही क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई इंसान भगवान में मानता नहीं है, तो पहला तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर भगवान है तो उनकी अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कौन से कार्य है जिनसे उनका साक्षात्कार हम कर सकते हैं। प्रश्न आपका बहुत ही सांप्रत है, कंटेम्प्ररी है कि ईश्वर की अनुभूति कैसे हो सकती है। जब भी आप किसी अग्नि को देखते हैं जो प्रज्वलित होती है, वो अग्नि जो है वो स्वयं ईश्वर है। जिस जल का हम पान करते हैं, जिस जलपान की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, वो जल ईश्वर है। जो सांसें हम ले रहे हैं, वो सांसों की वजह से हमारे प्राणवायु, हमारा जो प्राण है वो चल रहा है। वो पवन, वो जो हवा है, वो जो सांसें हैं, वो ईश्वर हैं। इनफैक्ट सनातन धर्म में बहुत ही सुंदर एक लॉजिक दिया गया है। आप अगर एंशिएंट टाइम्स से देखते आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि शायद पूरे विश्व के बहुत ही कम धर्म ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्राकृतिक तत्वों की पूजा के बारे में बताया गया है। हमारे यहाँ पे पांच तत्वों की, यानी कि पंच महाभूत की पूजा की जाती है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। स्पेसिफिकली जब आप यज्ञ कर रहे होते हैं उस वक्त पे इन तत्वों को आहुति भी दी जाती है। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदम नमः। ये जो मैं आहुति दे रहा हूँ वो अग्नि को अर्पण है, ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। इदम अग्नये, इदम नमः। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम वायनाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ये जो हमारे पांच वायु, प्राण, अपान, उदान, वयान और समान, जो हमारे पूरे देह में विराजमान होते हैं, जिन पांच वायुओं की वजह से हमारा जीवन चल पाता है, वो पांच वायु भी ईश्वर हैं। हमारे हमारी जो सांसें हैं वो भी ईश्वर हैं। जो हमारा एक एक क्षण इस पृथ्वी पर, भूलोक पर हमें दिया गया है वो ईश्वरीय आशीर्वाद ही है। अगर कोई रैशनल व्यक्ति या फिर कोई नास्तिक व्यक्ति ये कह रहा है कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ। अगर हमारे शरीर में कोई सेल है, जो कोश हम कहते हैं ना, वो कोश अगर दूसरे कोश के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, अगर वो दूसरे को ये कह रहा है कि हम ही सर्वस्व हैं, हमारे अलावा कोई और है ही नहीं, लेकिन उस सेल को पता नहीं है कि वो किस बॉडी के अंदर है, वो जो एक लार्जर बॉडी है वो हम हैं, हमारे अंदर सेल्स होते हैं, तो उसी तरह जो पूरा ब्रह्मांड है वो ईश्वर का एक कॉस्मिक बॉडी है, उनके अंदर हम छोटे छोटे सेल्स हैं। और फिर भी अगर ये अभिमान किया जाए कि हम ही सर्वस्व हैं, हमारे अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में ना तो किसी का अस्तित्व है, ना तो किसी की सत्ता है, तो ये सबसे बड़ी और आई वुड से मूर्खतापूर्ण बात होगी। तो ईश्वरीय सत्ता को मानने या ना मानने का अधिकार सबका अपना अपना है, लेकिन ये मानकर चलना कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, ये तो आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रूथ, वो सत्य है नहीं बेसिकली।